Like right now you have अराउंड 10 days, अभी श्योर नहीं है किसका एग्जाम पहले होगा किसका बाद में होगा, बट इन 10 दिनों में एग्जाम सबको निकालना है, सबके गोल वही है कि मुझे उस यूनिवर्सिटी में पहुंचना है, किसी भी तरह वहां तक पहुंचना है। एवरीवन हैव आइडिया अबाउट इट एंड एवरीवन हैव आइडिया अबाउट द सिलेबस एज वेल एज एवरीथिंग। ओके, सो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो सवाल बार बार आ रहा है, जहाँ इंग्लिश का जो एग्जाम है उसे निकालने के लिए आपको कॉम्प्रिहेंशन जो है, इंग्लिश की क्लास से निशांत आपकी समित सर के द्वारा कल से आज से स्टार्ट हो जाएंगी। एक्चुअली इशू ये है कि मेरा जो प्लेटफॉर्म है ऑल टीचर्स आर स्टूडेंट्स, सो होता क्या है कि प्लेटफॉर्म पे ज़्यादातर जो पीएचडी के लोग हैं या फिर जो पीएचडी परस्यू करें स्टार्टिंग में, तो कुछ के नेट से अपग्रेड होते हैं, कुछ के नहीं होते हैं। सो एक वो कन्फ्यूजन जो पेड क्लासेज वो प्रॉपरली रेगुलरली हुई हैं और होती रही हैं, लेकिन वही होता है प्लेटफॉर्म जब कोई भी रन करता है एंड उसका जो ऑनर जो उसे चला रहा होता है, तो इनिशियल जो पीरियड होता है, साल दो साल का जो पीरियड होता है, हर एक प्लेटफॉर्म चलाने वाले को कहीं ना कहीं जो डिफिकल्टीज है वो फेस करनी पड़ती है। तो शायद उसी टाइप की डिफिकल्टीज मुझे भी फेस करनी पड़ रही है, बट आई एम ट्राइंग कि आपके जो कॉम्प्रिहेंशन पे खासकर डाउट्स हैं उसको लेके चीज़ें क्लियर हो जाए, मच बेटर। दूसरे सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो ये है कि आप जब एग्जाम के लिए इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मैं पर्सनल ग्रुप का तो नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आज कि आपको कुछ रिकॉर्डिंग्स उसकी प्रोवाइड करवा दूँ जो अवेलेबल है हमारे पास, ताकि आप उन्हें देख सकें, ठीक है, और आप प्रिपरेशन कर सकते हैं उन चीज़ों की। खैर मैं चर्चा कर लेता हूँ आपसे इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन पे होपफुली एवरीवन आर वर्किंग राइट नाउ, ठीक है। मैथ का मैंने आपको बताया, नितिन सर के फादर आज डिस्चार्ज होंगे हॉस्पिटल से, आफ्टर दैट ही विल टेक क्लास, ही विल टेक योर क्लास फ्रॉम टुमारो। आज मॉर्निंग में उनको मैंने बोला था कि इनकी क्लासेस लेने को। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि जो टीम है उसमें कईयों के ऐसे इश्यूज आ गए जो अनअवॉइडेबल है, ठीक है। हो सकता है आप लोगों को लगता होगा कि एक्सक्यूज दे रहे हैं और कुछ नहीं, बट शायद मेरी जगह होते आप तो जो मैं कर रहा हूँ वही आप करते, ठीक है। सो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन जो है, तो कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर आप लोग कमांड बनाने के लिए बहुत सिंपल सा टॉपिक है कि आप कमांड बनाने के लिए अभी होपफुली प्रैक्टिस कर रहे होंगे कॉम्प्रिहेंशन का, क्योंकि मैक्सिमम पार्ट ये रहने वाला है, ठीक है। और ऐसा भी है आप मैथ्स के ऊपर भी काम कर रहे होंगे, ऐसी बात नहीं कि मैथ्स के ऊपर वर्क नहीं हो रहा होगा, ठीक है। तो जहाँ मैथ्स के ऊपर वर्क नहीं हो रहा है या फिर इंग्लिश के ऊपर आप लोग काम नहीं कर रहे हैं, तो उसे एक बार देखिए। और मैं आपको वादा करता हूँ कि आज और कल में जो क्लासेस हैं उनकी कुछ रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड करा दें और आपके कुछ रेगुलर सेशन भी हो जाए, ताकि ज़्यादातर डाउट्स जो हैं टॉपिक्स रिलेटेड वो आपके क्लियर हो जाए और आप आराम से एग्जाम कॉन्फिडेंटली दे सको, ठीक है। चलिए तो हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि इसका जो ज्योग्राफी है उस पर, ठीक है। मैं पीडीएफ भी शेयर कर लेता हूँ ताकि चीजें थोड़ी स्पीडली हो जाएंगी और चीजें कहीं ना कहीं आसान भी हो जाएंगी। चलिए माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज, आप लोगों से डेली निवेदन करना पड़ता है मुझे कि माइक ऑफ करिए, माइक ऑफ कर प्लीज ऑफ कर लीजिए। साठ मिनट में पूरा करने का बहुत सिंपल सा लॉजिक है, आप एग्जाम देने जा रहे हैं एंड यू नो आपके पास जो मैथ्स वाला पार्ट है उसमें कहीं ना कहीं आपको काफी बड़े लेवल पे ट्रिक्स को यूज करना होगा, क्योंकि एक चीज आप जान लीजिए कि आप जब भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं किसी भी एग्जाम, तो ट्रिक्स मैटर करता है पर टाइम बचाने में, ठीक है। तो टाइम बचाने के लिए ट्रिक्स मैटर करेगा, क्योंकि जीके में तो सिंपल सी बात है कि आपको जो चीज आता है इनफ है, नहीं आता है तो
तो फिर उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है दूसरा, ठीक है। तो वो चीजें नहीं, जनरल टेस्ट के लिए 60 मिनट है। देखिए आपके सामने स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा ज्योग्राफी से रिलेटेड पीडीएफ जनरल टेस्ट के लिए। तो जनरल टेस्ट का जो बाकी का करंट अफेयर कौन सा चाहिए आपके पास अवेलेबल है अप्रैल का, अप्रैल तक का। उसके अलावा आपके पास जो मई वाला करंट अफेयर है उसका एक पार्ट मैंने दिया था उसमें। अब कहीं जो टॉपिक है वो एक आपको टॉपिक देना है खासकर एजेंसी से रिलेटेड, वो आपको कल दे दूंगा मैं एजेंसी से रिलेटेड। उसके अलावा जो टॉपिक है आपके, आप करंट अफेयर इतना नहीं पढ़ना है कि आपको यूपीएससी के लिए तैयारी करनी है, पहले बता चुका। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जो भी क्वेश्चन है आप पूछते रहिएगा कमेंट सेक्शन में। यूनिवर्स की बात करते हैं, सीधा यूनिवर्स की चर्चा कर लेते हैं क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि यूनिवर्स की जब बात करेंगे आप तो यूनिवर्स में जो भी चीजें हैं, चाहे प्लेनेट्स हैं, चाहे आपके स्टार्स हैं, गैलेक्सीज हैं, वो सभी इसमें इंक्लूडेड हैं। और साथ ही साथ जो क्वेश्चन आते हैं, सारा का सारा जो टॉपिक है वो क्वेश्चन ओरिएंटेड बनाए गए हैं। तो यहाँ पे जो यूनिवर्स डिफाइन किया गया है इसमें फिजिकल मैटर जैसे प्लैनेट्स हैं, आपके स्टार हैं, गैलेक्सीज हैं, इन सब की अगर मैं बात करूं आपसे तो ये इसका हिस्सा है। साथ ही साथ यहाँ पे जो दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि यूनिवर्स को यूनिवर्स का जो स्टडी होता है तो वो क्या कहलाता है, कॉस्मोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, कॉस्मोलॉजी, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं एग्जाम में, किसी भी चीज का स्टडी जो है वो क्या कहलाता है, इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद हमारा जो एंड्रोमेडा जो है ये नियरेस्ट गैलेक्सी है पूरे यूनिवर्स में, खासकर हम बात करें पृथ्वी से बात करें तो, और हमारी जो गैलेक्सी है उसको मिल्की वे कहते हैं, हिंदी में आकाशगंगा भी कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ इस पहले टॉपिक से क्वेश्चन किस, ये जो पहला वाला पार्ट है इससे क्वेश्चन आपके दो आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन कौन सा आ सकता है, वो ये आ सकता है कि स्टडी ऑफ यूनिवर्स क्या कहलाता है, तो वो कॉस्मोलॉजी कहलाता है। दूसरा पॉइंट जो आता है वो क्या कहलाता है आपका, दूसरा पॉइंट क्या कहलाता है, जो क्वेश्चन आएगा वो कहाँ से आएगा, जैसे आपका एंड्रोमेडा हमारा नियरेस्ट गैलेक्सी है, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जो आपको क्वेश्चन तीसरे और देखने को मिल सकता है वो ये आ सकता है कि हमारा जो गैलेक्सी है उसे क्या कहा जाता है। तो हमारा जो गैलेक्सी है उसे क्या कहा जाता है, मिल्की वे, ठीक है। क्या कहते हैं, मिल्की वे के नाम से जाना जाता है। क्लियर है ये, यहाँ तक किसी का डाउट है यहाँ पे? चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है वो है हमारा सोलर सिस्टम से रिलेटेड। सोलर सिस्टम की अगर हम बात करें तो सोलर सिस्टम में टोटल प्लैनेट्स कितने हैं उस पे क्वेश्चन आते हैं। साथ ही साथ दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है वो ये आता है कि जो हमारा सोलर सिस्टम में अलग अलग जो प्लैनेट्स हैं वो प्लैनेट्स से रिलेटेड जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है, जैसे कलर से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन हो गया, उसके अलावा आपका कलर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन के अलावा जो क्वेश्चन आते हैं वो क्या और आते हैं, किस नाम से उन्हें जाना जाता है, तो इस तरह के जो क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिल जाते हैं। चलिए हम बात करते हैं, देयर आर 8 प्लैनेट्स ऑफ आवर सोलर सिस्टम, सीधा पॉइंट पे आते हैं। और यहाँ क्वेश्चन सबसे पहले बात करते हैं मर्क्यूरी की। मर्क्यूरी की अगर हम बात करें तो स्मॉलेस्ट प्लैनेट है हमारे पूरे सोलर सिस्टम का। इसके साथ साथ अगर हम चर्चा करें तो जो अगला पॉइंट है आपका मर्करी के अलावा इसी मर्करी में वो आता है आपका, मर्क्यूरी जो है वो नियरेस्ट है सूर्य के, यानी सूर्य के सबसे पास अगर आपसे कोई पूछेगा तो वो कौन सा होगा, मर्क्यूरी होगा। फास्टेस्ट रेवोल्यूशन पीरियड जो होता है वो क्या होता है, सोलर सिस्टम है किसका है, मर्क्यूरी का है। तो यहाँ से मर्क्यूरी से अगर आप पढ़ने बैठेंगे तो आपको केवल और केवल ये दो पॉइंट याद करने हैं, ठीक है। एक तो स्मॉलेस्ट है पूरे सोलर सिस्टम में, दूसरा नियरेस्ट है सूर्य के, दूसरा आता है वेनस। इसे किस नाम से जाना जाता है, अर्थ ट्विन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अर्थ ट्विन, मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार के नाम से जानते हैं, ठीक है।
इसके बाद अगर हम बात करें तो ये हॉटेस्ट प्लैनेट है हमारे पूरे सोलर सिस्टम का, और ये स्लोएस्ट रोटेशन पीरियड होता है इसका हमारे सोलर सिस्टम में। तो अब आपके मन में आ रहा होगा कि वेनस से कौन कौन से क्वेश्चन है जो हम पढ़ सकते हैं, जिनके बारे में हम जान सकते हैं। तो वेनस से रिलेटेड जो पॉइंट है वो तो ये है कि जैसे अर्थ ट्विन किसे जाना जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन तो आपका यहाँ से ये बनता है कि अर्थ ट्विन जो है वो किस नाम से जानते हैं, अर्थ ट्विन को किस नाम से जानते हैं, तो वो वेनस है। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है वो ये आता है कि हॉटेस्ट प्लैनेट कौन है हमारे सोलर सिस्टम में, तो वो कौन सा है, वेनस है, ठीक है। इसके बाद आता है अगला मार्स, मार्स जिसे हम कहते हैं मंगल, ठीक है। मार्स जो है रेड प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। इसके दो सैटेलाइट है फोबोस एंड डेमोस। ये इसरो ने, आपको पता होगा कि इसरो जो है उसने इसे एक स्पेस मिशन भेजा था जिसका नाम था MOM, मार्स ऑर्बिटर मिशन। इसकी फुल फॉर्म बहुत बार कई एग्जाम्स में पूछेगी, ऑल्दो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछी गई है। वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आया कि MOM का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो मार्स ऑर्बिटर मिशन होता है, और ये जो कहें कि प्रोग्राम है ये लॉन्च किया गया था इसरो के द्वारा इसे भेजा गया था। 450 करोड़ का ये पूरा प्रोजेक्ट था, 5 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से खर्च आया था, जो कि इंडिया के अंदर एक ऑटो के किराए से भी सस्ता था। तो दुनिया का सबसे सस्ता सैटेलाइट जो था वो स्पेस मिशन वो इन्होंने लॉन्च किया था, जो हमारा कहाँ गया था क्या नाम है, मंगल पे, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपसे, मैं थोड़ा सा इसरो के बारे में बता देता हूँ। इसरो का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, ये क्वेश्चन आता है। इसरो का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था जानते हो? इसरो का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 15th of August 19 को जानते हैं कब हुआ था इसरो का एस्टेब्लिशमेंट? 1969 इसरो का एस्टेब्लिशमेंट 1969 15 अगस्त 1969 को हुआ था, ठीक है। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में है, ठीक है। इसके अलावा इसरो के जो लाइक इसरो की अगर हम बात करें आपसे, तो इसरो इंडिया का क्या क्या स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का ये जो फुल फॉर्म है वो पूछ लेते हैं कभी कभी, तो याद रखिएगा। आगे हम बढ़ते हैं, जुपिटर की बात करते हैं। लार्जेस्ट प्लेनेट है, और इसे लॉर्ड ऑफ हेवेंस के नाम से भी जानते हैं। यूरोपा और गैनीमिडी, ये दो इसके सैटेलाइट है मार्स के। गैनीमिडी की अगर हम बात करें तो ये लार्जेस्ट सैटेलाइट है हमारे पूरे सोलर सिस्टम का, ठीक है, याद रखिएगा। गैनीमिडी जो है ये लार्जेस्ट सैटेलाइट है हमारे पूरे सोलर सिस्टम का, ठीक है। तो ये इसके यूरोपा और गैनीमिडी दो सैटेलाइट है मार्स के। एक आता है आपका सैटर्न। सैटर्न जो है सेकंड लार्जेस्ट प्लेनेट है हमारे पूरे सोलर सिस्टम में। और इधर हम बात करें यूरेनस, तो एक हमारा है। इसके अलावा नेपच्यून है। नेपच्यून की बात करें तो इसे ग्रीनेस्ट स्टार कहते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन एक ही आता है, क्वेश्चन ये आता है कि आखिर इसे ग्रीनेस्ट स्टार क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मीथेन है। मीथेन होने की वजह से ये कैसा दिखाई देता है, ग्रीन दिखाई देता है। अब प्लूटो क्या है, स्मॉलर था एनी अदर ऑफिशियल प्लैनेट से, सो नाउ इज डिस्क्वालिफाइड एज ए ड्वार्फ प्लैनेट। अब आपको यहाँ पे बहुत ही सीरियस में इसमें सारी चीजें समझने को, एक बार रिवाइज करने को मिल जाएगा, पीडीएफ भी पढ़ेंगे आपको बहुत अच्छे। बिगेस्ट प्लैनेट जुपिटर है, स्मॉलेस्ट प्लैनेट मर्क्यूरी है, बिगेस्ट सैटेलाइट गैनीमिडी, बिग ब्लू प्लैनेट अर्थ है, ग्रीन प्लैनेट यूरेनस है, ब्राइटेस्ट प्लैनेट वेनस है, कूलर जो आपका क्लोजेस्ट स्टार है वो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, और आपका कोल्डेस्ट प्लैनेट है वो नेपच्यून है, ठीक है। इवनिंग स्टार वेनस है, रेड प्लैनेट मार्स है, ठीक है, और अर्थ ट्विन वेनस है। स्लोएस्ट रोटेशन पूरे सिस्टम में वेनस का होता है। इसके बाद अगला जो पॉइंट आता है स्टूडेंट्स, वो आता है आपका एस्ट्रॉइड्स। एस्ट्रॉइड्स की अगर हम बात करें तो एस्ट्रॉइड्स जो होते हैं ये एक बोर्ड बेल्ट बिटवीन होता है ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर के बीच में। तो यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस नहीं है, लेकिन आपका जो अगला वाला है जिसे हम मेट्रोइड्स कहते हैं, मेटोर्स कहते हैं, या आपका मेटोराइड्स कहते हैं, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ये आपको अभी पता चल जाएगा कि क्या क्या होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। पीडीएफ अवेलेबल है एग्जाम वर्ड ऑफिशियल में। आपका मेट्रोइड्स की अगर हम बात करें तो स्मॉल बॉडीज होती हैं जो कि ट्रेवल करती हैं थ्रू स्पेस। मेट्रोइड्स स्मॉल होते हैं एस्ट्रॉइड की अपेक्षा, और मोर आर स्मॉलर देन द साइज ऑफ ए पेबल। इसके अलावा मीटोर जो है जिसे क्या कहते हैं हम, आपका मेट्रोइड कहते हैं, ये एंटर करता है अर्थ के एटमोस्फेयर में, यूजली मेकिंग ए फायरी ट्रैल एज इट फॉल्स। अब मैं आपसे पूछूंगा, ये आप सबने देखा होगा
ठीक है, मतलब पूंछ जैसा बनाते हैं और ये क्या होते हैं मोस्टली गायब हो जाते हैं, ठीक है, इसे शूटिंग स्टार या फॉलिंग स्टार कहा जाता है। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ कि जो शूटिंग स्टार या फॉलिंग स्टार है, ठीक है, पुच्छल तारा हिंदी में से कहते हैं, शायद मुझे जहां तक पता है हिंदी में पुच्छल तारा कहते हैं इसको। ठीक है, कई बार देखा होगा वो ये है कि पुच्छल तारा जो है ये आप लोगों ने जब देखा होगा तो इसमें क्या होता है कि अचानक से आसमान से एक तारा सा टूटता हुआ दिखाई देता है ना। और फिर कई लोग कहते हैं कि ये तो आत्मा थी, कोई व्यक्ति मर गया होगा उसकी आत्मा है, कोई कहते हैं नहीं नहीं इसे देखने से विष पूरी हो जाती है, हैं? होता है ऐसा कुछ नहीं है, बहुत मैंने भी मांग के देखी है, हैं? होता है ऐसा कुछ नहीं है, रियलिटी में कुछ नहीं होता है, जस्ट लाइक थिंकिंग ऑफ एक होता है चिल्ड्रंस, बच्चों की जो थिंकिंग होती है वो होता है, ठीक है, एक आशा की हाँ ये ऐसा करेंगे, वही वाली बात है कि बचपन में पेंसिल जो होता था उसके छिलके से बर्फ जमा वो रबड़ बनाने के प्रैक्टिकल किया करते थे फ्रिज में रख के, हैं सबने किया होगा मोस्टली, आजकल तो पेंसिल ही वो दूसरी आने लग गई है जिसके अंदर केवल वो डालो गोटा और बस स्टार्ट कर दो लिखना, छीलने वाला पेंसिल ही बंद हो गया। तो वही बात है, पहले उससे दूध में रखते थे, दूध बर्बाद करते थे, मैंने तो मलाई दूध की उतार उतार के उसमें भी रख के देखा लेकिन रबड़ बनी नहीं कभी, हैं? एक होता था बचपन में मोर की पंख रखते थे किताब में, इससे विद्या आ जाती है, हैं? आई तो नहीं आज तक। चलिए कोई इशू नहीं है, क्वेश्चन पूछो कुलदीप। तो इसके अलावा एक ये जो होता है आपका मेट्राइट होता है, ये मैटर होता है जो कि अर्थ पे गिरता है, मैटर जिसे रॉक या मेटल के बने होते हैं जिन्हें उल्का पिंड भी कहा जाता है, ठीक है, तो ये जो उल्का पिंड जो होता है ये क्या होता है कि मेटल से बना होता है और मोस्टली इसे रिसर्च के लिए फिर यूज किया जाता है, तो ये जब गिरते हैं जमीन पे तो कई बार काफी बड़ा नुकसान भी कर देते हैं, बड़े अगर बड़े आकार में गिर जाए तो, और छोटे आकार में कुछ ज्यादा नुकसान नहीं करते हैं, ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस जो है वो बहुत कम होंगे इन तीनों टॉपिक से, लेकिन ये पूछ लेता है कि जैसे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ लिया, मेट्रोइड मेटर्स मैट्रिस, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मून की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं मून की। मून ये ओनली नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का, इट हैज नॉट एटमोस्फियर एज ड्यू टू वीक ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, जलने इसलिए लगते हैं क्योंकि इंग्लिश हिंदी आपने साइंस में एक बल पढ़ा होगा, घर्षण बल पढ़ा है उसके बारे में, घर्षण बल के बारे में पढ़ा है, फ्रिक्शन जिसे कहते हैं, तो फ्रिक्शन जो होता है उसकी वजह से होता है, जब पृथ्वी के अंदर जब किसी भी एक सरफेस किसी एक सतह से दूसरे सतह में जब प्रवेश करता है एंटर करता है तो इतना ज्यादा घर्षण बल लगता है कि वो आग मोस्टली कल्पना चावला का एग्जाम्पल देता हूँ, कल्पना चावला का डेथ क्यों हुआ क्योंकि वो एक एटमोस्फेयर से दूसरे एक जो हमारे सरफेस उससे जब वो दूसरे में एंटर कर रही थी तो वहां पे वो क्या नहीं कर पाई, स्पीड कंट्रोल नहीं कर पाई, स्पीड कंट्रोल ना कर पाने की वजह से उसने क्या उसमें जो उसका सेट जिस यान से वो गई थी उस यान में क्या लग गई, आग लग गई और तुरंत जल के राख हो गया, ठीक है, तो पॉइंट ये है कि जब वो स्पीड आते हैं तो ऐसे थोड़ी है कि 10-20-50 किलोमीटर 100 किलोमीटर घंटे की स्पीड से आ रहे हैं, हजारों किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से होते हैं, तो वो जब इधर एंटर करते हैं जैसे तो एंटर करते ही वो क्या आग पकड़ लेता है, ठीक है, और अगर स्पीड कंट्रोल्ड होगी क्योंकि एक स्टैंडर्ड है क्योंकि ट्रायल करके देखा गया कितनी स्पीड में आग नहीं पकड़ेगा, उस स्पीड पर अगर उसे रखा जाए तो वो यान कभी आग नहीं पकड़ता, ठीक है, सैटेलाइट हमेशा अर्थ का गोल चक्कर लगा के नहीं लगाकर ही क्यों आते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, उनका जो एक कक्षा होता है जो उनका क्लास होता है जहाँ पे उनको सेटल किया जाता है, वो कोई ऐसा नहीं होता कि आपने अगर दिल्ली से सैटेलाइट छोड़ दिया तो बस दिल्ली का सीधा ऊपर आसमान में चला जाएगा, वो ऐसा नहीं होता है, वो कक्षाओं तक पहुंचने के लिए उन्हें काफी लंबा रास्ता तय करना पड़ता है, जब मार्स ऑर्बिटर मिशन भेजा गया था
उसका अपडेट चेक किया जाता था डेली, तो 6 महीने बाद वो साउथ अफ्रीका के ऊपर था। तो वो पॉइंट है कि वो काफी ज्यादा लंबा प्रोसेस होता है उसका वहां तक पहुंचने में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। कि यहाँ पे हमारा जैसे मून जो है उसमें ओनली नेचुरल सैटेलाइट है जो कि अर्थ है, नो एटमोसफियर ड्यू टू वीक ग्रेविटेशनल फोर्स। अब अगर मून की बात करें आप, तो मून में क्या होता है कि आप अगर रात को जाएंगे, नाइट को जाएंगे, तो नाइट को वहां पे क्या होगा, टेम्परेचर आपका -100 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, और दिन में यही +100 डिग्री तक भी पहुंच जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई एटमोसफियर वगैरह कुछ नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना, वो जो जाते हैं हमारे एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं, तो उनका ड्रेस वगैरह काफी स्पेशल होता है, इस वजह से वो लोग हैंडल कर लेते हैं वहां पे कंडीशंस को। जब दो पूरे मून, फुल मून ऑक्यूट दिखाई देते हैं ना सिंगल मंथ, द सेकेंड फुल मून इज कॉल्ड द ब्लू मून। ठीक है, तो आपसे हो सकता है कोई सिंगल क्वेश्चन ऐसा डाल दे कि ब्लू मून ये होता है, तो वो चीजें याद रखना आप। ठीक है, यहाँ से किसी का क्वेश्चन है यहाँ तक मून तक, क्योंकि हम वही चीजें कर रहे हैं जहां से क्वेश्चन। आप मून की थोड़ी बात कर लेता हूँ, मून पे पहला एस्ट्रोनॉट कौन था जो गया था, कौन पहले एस्ट्रोनॉट थे जो गए थे मून पे, जानते हैं ना? नील, आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है यूएस के, वो गए थे सबसे पहले। इसके बाद हम बात करेंगे अगले वाले पॉइंट पे, अर्थ की, पृथ्वी की। ठीक है, अभी कल एक रिपोर्ट पढ़ रहा था मैं कि अगर पूरी दुनिया के लोग कह रहे हैं कि दूसरे ग्रह पे घर बनाएंगे, तो कि दूसरे घर पे ग्रह बनाना इंसान को बसाने से ज्यादा आसान अगर हो सकता है, लेकिन वहां पे रिपोर्ट में यह था कि जो अंतरिक्ष यात्री जाते हैं उनकी हड्डियां बिल्कुल वीक हो जाती हैं हमेशा के लिए, तो वो चीज कि ये लोगों को जब जाएंगे तो फेस करना पड़ेगा। खैर, हम बात करेंगे अगले पॉइंट पे, अर्थ की बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट, और यहाँ से क्वेश्चन आता है, फिफ्थ लार्जेस्ट प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, इसे ब्लू प्लेनेट कहा जाता है। इसका जो शेप है अर्थ का वो जियोइड है। ठीक है, इसके अलावा अर्थ रोटेट करता है अपने एक्सिस को फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट वंस इन 24 आवर्स, इट कॉजेज ऑफ डे एंड नाइट। अब क्या होता है, पृथ्वी घूम रही है, इधर सूर्य की रोशनी पड़ रही है, ये सूर्य की रोशनी अगर इधर पड़ रही है तो यहाँ क्या हो गया, दिन हो गया। अब यही घूमते घूमते चलेगी पीछे, सूर्य तो यही था, ये घूमते घूमते पीछे वाला हिस्सा यहाँ आ गया, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे दिन हो जाएगा, और जो हिस्सा पहले आगे था वो पीछे चला जाएगा, वहां क्या हो जाएगी, रात्रि हो जाएगी। ठीक है, ऑफशोर ऑफशोर ये क्या होता है, हिंदी में नहीं आता यार अब इतना। बॉर्नविटा कमजोरी नहीं है, वहाँ कैल्शियम की कमी हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर ना तो खाने को मिलता है ना बहुत सारी दिक्कत होती है। ठीक है, इसके बाद आपका आता है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक जो है रिक्टर स्केल पे मापा जाता है। ठीक है, इसके अलावा ब्रांच ऑफ जियोलॉजी जो है जो डील करते हैं अर्थक्वेक को समझने में, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि अलग अलग ब्रांचेज होती हैं अलग अलग चीजों को समझने के लिए, तो अर्थक्वेक है उसे डील करने के लिए क्या यूज किया जाता है, जो वो है आपका सिस्मोलॉजी। ठीक है, तो सिस्मोलॉजी है ये, माइक ऑफ कर लो यार। अगले पॉइंट पे आता हूं मैं, नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है कैलाश मानसरोवर को हम तो उसी नाम से जानते हैं, हिमालय जो आपका क्या नाम है महादेव का जो रहा है वहां, लेकिन ये है पॉइंट कि आज कैलाश मानसरोवर की यात्रा जो है वो चाइना में जाके करनी पड़ती है, क्योंकि वो ज्यादातर रास्ता चाइना में पड़ता है उसका, तो ये एक है कि वो आज उतने बड़े स्तर पर डेवलप नहीं हो पाए जितना और स्तर और मंदिर या शिवालय डेवलप हो गए। आगे बढ़ते हैं, हम मेजर माउंटेन रेंज की बात करेंगे। मेजर माउंटेन रेंज कौन कौन से वर्ल्ड में, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, आपका हिमालय है एशिया में है, माउंट एवरेस्ट इसका हाईएस्ट पॉइंट है, हिंदू कुश एशिया में है, आपका ऋषि मीर जो है वो आपका हाईएस्ट पॉइंट है, एंडीज जो है वो साउथ अमेरिका में है, अकॉनकागुआ इसका हम कहें कि हाईएस्ट पॉइंट है, और काराकोरम जो है ये एशिया में ही है, केटू
K2 गॉडविन आस्टिन इसका हाईएस्ट पॉइंट है, ठीक है। एल्प्स की बात करो, एल्प्स जो है वो यूरोप में है। माउंट ब्लैंक जो कि कहाँ पे है, माउंट ब्लैंक कहाँ पे है, फ्रांस में, ठीक है। रॉकी जो है नॉर्थ अमेरिका में है, और माउंट एल्बर्ट जो है वो इसका क्या है, हाईएस्ट पॉइंट है। फिर आपका आता है काउकासस, काउकासस जो है ये यूरोप में है और माउंट एल्ब्रस इसका हाईएस्ट पॉइंट है। अब काउकासस किस रशिया, सॉरी रशिया में है ये, मैं पूछना चाह रहा था किस कंट्री में है, ठीक है। यूरोप एशिया, माउंट एल्ब्रस का हाईएस्ट पॉइंट है। त्यान शाह जो है वो एशिया में है, और इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है वो जेंगिस चौकसू है। टेन है अलास्का, अलास्का नॉर्थ अमेरिका में है, और देनाली जो इसका है वो हाईएस्ट पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा 99% अगर माउंटेन से रिलेटेड आएगा तो आपको एक मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है। हेलो सर। यस सर, आपने हाईएस्ट हाईएस्ट माउंटेन रेंज और लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, सर ये दोनों अलग है ना? हाँ, हाईएस्ट माउंटेन रेंज आपका हिमालय है और लॉन्गेस्ट आपका एंडीज है, ठीक है। आगे और देख लीजिए आप। अब आपका आता है वर्ल्ड वाइड जो इम्पोर्टेंट लेक्स है वहां से रिलेटेड पॉइंट। लेक्स की अगर आप बात करेंगे तो लेक्स में कैस्पियन सी है, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान, रशिया में फैला हुआ है ये। विक्टोरिया की बात करें तो युगांडा, केन्या, तंजानिया में है। आपका हुरोन की बात करें कनाडा, यूएस में है। मिशिगन की बात करें तो ये भी यूएस में है। बैकाल की बात करें तो ये रशिया में है। इसके साथ साथ ग्रेट बियर लेक जो है वो कनाडा में है। लादोग आपका जो लादोगा है ये रशिया में है, ठीक है। और आपका निकारगुआ है ये निकारगुआ में ही है। और आपका ग्रेट साल्ट लेक है ये कहाँ पे है, ग्रेट यूएस में, ठीक है। और आपका बालकाश जो है ये कजाकिस्तान में है, ओके। तो ये कुछ लेक हैं आपके। फ्रेश वाटर लेक में आता है आपका लेक बैकाल जो कहाँ पे है, रशिया में, ठीक है। ये क्वेश्चन अभी किसी एग्जाम में आया था, डीपेस्ट भी है। लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट में फर्क है, लॉन्गेस्ट आपका गंगा है इंडिया में और लार्जेस्ट ब्रह्मपुत्र है, यहाँ चौड़ाई की बात होती है लार्जेस्ट में, ठीक है। वर्ल्ड वाइड प्रेजेंट देख लीजिए क्या है, वर्ल्ड वाइड जो डेजर्ट है उनको देख लीजिए कौन कौन से डेजर्ट है। तो सबसे पहले आपके सामने आता है सहारा, ये कहाँ पे है, नॉर्थ अफ्रीका में है, अरेबियन सी अरेबिया में है। इसको क्या कहते हैं, एम्प्टी क्वार्टर, क्या कहते हैं, अरेबियन सी को एम्प्टी क्वार्टर, ठीक है, याद रखना अरेबियन जो डेजर्ट है उसको। ऑस्ट्रेलियन जो है उसे ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया में है। अटाकामा नॉर्थ चिली में है। कालाहारी, ये क्वेश्चन कई एग्जाम्स में आ रहा है नॉर्थ चिली वाला, पिछले साल जेनी में भी दे रखा है। कालाहारी बोत्सवाना में है। नामिब नामीबिया में है। ग्रेट इंडियन डेजर्ट जो है वो कहाँ पे है, थार में, यानी कि राजस्थान, ठीक है। थार कहाँ पे पड़ता है, तो राजस्थान का रेगिस्तान है, उसे क्या कहा जाता है, थार कहा जाता है, ठीक है। कुछ लोगों को थार का नाम लेते अपने घर में खड़ी हुई जीप याद आई होगी। मेजर कैनल सिस्टम, इसके अगर हम बात करें तो दुनिया के अंदर मेजर कैनल सिस्टम स्वेज कैनल सिस्टम सबसे बेस्ट माना जाता है, क्योंकि पूरी दुनिया के टोटल ट्रांसपोर्ट का 12% अकेला अफोर्ड करता है। और इसका जो हम जो कंस्ट्रक्शन हुआ था 1869 में हुआ था, ओके। और इसके अलावा अगर हम बात करें आपसे कि यहाँ पे लार्जेस्ट कैनल है पूरे वर्ल्ड में, स्वेज कैनल क्वेश्चन कहाँ से आएगा, दूसरा यहाँ से आएगा, ये किस किस को आपस में कनेक्ट करता है, तो ये रेड सी और मेडिटेरेनियन सी को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। पनामा कैनल है, ये कंस्ट्रक्ट हुई पनामा इस्थमस बिटवीन पनामा एंड सिटी ऑफ पनामा सिटी एंड कोलोन के बीच में। अब ये जो है पनामा नहर जो है ये किस किस को ऐड आपस में जोड़ रही है, तो पैसिफिक ओशियन एंड कैरेबियन सी, इस पर फोकस रखो, इसको याद रखना। आपका कैल चैनल कैनल जो है ये क्या है, जर्मनी के अंदर है, नॉर्थ सी को बाल्टिक सी से जोड़ने का काम करती है, ठीक है। तो ये आपका आज का जो ज्योग्राफी वाला पार्ट है वो था। यहाँ से रिलेटेड जो भी आपके डाउट हैं, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं,
वो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हो, ठीक है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट आपको, क्योंकि ज्योग्राफी में डिफिकल्टीज आना बड़ी बात नहीं है, बहुत ही नॉर्मल सी थिंग है। और सबसे एक आपको अब क्या है कि 10 दिन का एक पार्ट बना लो, क्लासेस के पैरेलली भी एक पार्ट बना लो, आप इंग्लिश को पार्ट बना के रख लो, आप यहाँ पे जीके को पार्ट बना लो, आप यहाँ पे मैथ्स और रीजनिंग का एक पार्ट बना लो। और उसमें जो यूट्यूब पे भी देख रहे हैं उनके लिए भी ये राय है कि आप लोग एक सीधा सा ये रखो कि आप 4-5 दिन का ये रख लीजिए कि इंग्लिश में मुझे कॉम्प्रिहेंशन पे इतने पैराग्राफ्स खत्म करने हैं। आपका जीके है, जीके के अंदर आपको जो कंटेंट मिल रहा है इनफ है, उस कंटेंट से काफी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। आगे आएगा आपका मैथ्स और रीजनिंग, ठीक है, तो जो मैथ्स और रीजनिंग है उसके ऊपर आपको क्या करना है कि ज्यादा टाइम देना है। अगर आप 1-2 घंटा इसको दे रहे हैं, 1 घंटा इसको दे रहे हैं, तो कोशिश करिए 3 घंटा अकेले इसको दें, ठीक है, यानी कि यहाँ मिला के आप 2-3 घंटा दे रहे हैं, यहाँ 3 घंटा अकेले इसको देने। बोलो। हेलो सर, सर इतना नहीं, और कुछ और भी एक हिस्सा बाकी है इसका, एक हिस्सा और बाकी है। एक्चुअली मैं कल आउट ऑफ दिल्ली ट्रेवल किया था, तो आई एम नॉट फीलिंग वेल, दैट्स व्हाई मैं दूसरा लेक्चर ले पाने की स्थिति में नहीं हूँ अभी, नहीं तो दूसरा भी ले लेता। हाँ बोलो। हेलो सर, ये मैथ्स और जो रीजनिंग है सर, ये सर बता मतलब क्या लेवल का आएगा सर, जैसे प्रैक्टिस क्वेश्चन करना रहता है। मैं लेवल कई बार बता चुका हूँ कि इसका लेवल क्या रहने वाला है, आप पुरानी वीडियो एक बार देख लीजिए सिलेबस के, ठीक है, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, बेहतर होगा। इंडियन ज्योग्राफी बाकी है, आई विल ट्राई। माइक ऑफ करिए प्लीज, एक तो आप लोगों के इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, इतना ज्यादा आवाज खराब आती है। हाँ, तो इंडियन ज्योग्राफी अभी बाकी है, तो मैं आपको बता रहा था यहाँ पे पैरा जो कॉम्प्रिहेंशन वाला जो पार्ट है, इसके लिए आपके पास जितने भी बुक्स अवेलेबल हैं उनके ऊपर आप काम कर सकते हो। वो काम क्या कर सकते हो कि आप जो कॉम्प्रिहेंशन को जब आप सॉल्व करें, तो एक चीज नोटिस किया करिए कि उसमें वन वर्ड विद ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही होंगी आपको ज्यादा, बाकी क्वेश्चंस मोस्टली आप सॉल्व कर लेंगे। और ग्रामर जो है, ग्रामर में देखिए क्वेश्चन जो आपका वोकैब से आ रहा है या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक से आ रहा है, तो उसके ऊपर बड़े आराम से आप कवर कर, आप एक काम करिए आज कवर करके देखिए, कल या तो मैं ही तुम्हारे लिए इनके ऊपर स्ट्रेटेजीज लेके आऊंगा इंग्लिश वाले में, कुछ चीजों पर डिस्कस करूं ताकि आप लोग अच्छे से कवर कर लें, ठीक है। मैथ्स वाले में जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर पा रहे हो उतना ज्यादा बेहतर है, मैथ्स मांगता है केवल प्रैक्टिस। और यहाँ पे आपको कुछ वीडियो शेयर करूंगा जिससे आपको हेल्प मिल जाए, खासकर टॉपिक्स को, मैथ्स के टॉपिक को कवर करने में, ठीक है। हेलो सर। हाँ सर, मुझे सर मेरा क्वेश्चन है कि सर डोमेन सब्जेक्ट जैसे सर हमने हिस्ट्री और पॉलिटी चूज करा है, सर वो जीएस आप जो करा रहे हैं उसमें कवर हो जाएगा या अलग से भी डीपली पढ़ना पड़ेगा? आपका जो डोमेन सब्जेक्ट है आपका, अगर हिस्ट्री और पॉल साइंस है, तो आपको अपने इसको कवर करने के लिए एक बार एनसीईआरटी देखने होंगे, ठीक है, एनसीईआरटी जो आपने स्कूल में पढ़े हैं। बाकी बहुत सारी चीजें यहाँ पे भी, लेकिन उसमें क्या है कि बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा होती हैं। फॉर एग्जांपल हम कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ बेसिकली पढ़ लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग पार्ट्स से डिवाइडेड, तो बहुत सारी चीजें अलग होती है, तो डोमेन वाला जो है वो आप अलग से फोकस करें, मच बेटर, ठीक है। अगर एंड हो जाए तो कमेंट सेक्शन में बात में ये मत लिखिएगा, ऐसे मीटिंग एंड कौन करता है, कुछ लोग लिख देते हैं बाद में। सर गोबी डेजर्ट कहाँ पर है? गोबी डेजर्ट आपका चाइना में, मंगोलिया वाला जो पार्ट है वहाँ, ठीक है। सर वन लास्ट क्वेश्चन, सर डोमेन में अगर, सर अगर डोमेन सब्जेक्ट में हिस्ट्री चूज करता है तो सर आप एक काम करिए, आप एक काम करिए मैसेज कर लीजिए, टाइम खत्म हो जाएगा, मैं जवाब दूंगा, तो व्हाट्सएप कर लीजिए, दूसरी क्लास नहीं लूंगा, एक्चुअली आई एम नॉट फीलिंग वेल, दैट्स व्हाई मैं एक क्लास ले पाऊंगा आज, मैं इवनिंग में कोशिश करूंगा लेने की, 8 बजे कह रहा हूँ, ठीक है, अगर मेरे थोड़ा बेहतर फील करूंगा। ओके चलिए, बाय।